शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो वकील साहब, मैं जूली हूँ, नेहा नहीं। सॉरी जूली, मेरे बस मुंह से निकल गया। वैसे नेहा है कौन जिसके नाम की रट लगा रखी? मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने तुम्हें दीवाना बना कर रखा है। बस ये मत पूछ जुड़ी, नया ना लड़की नहीं, एक अप्सरा है। अप्सरा, ये देख, दिखाता हूँ तुझे, ये है मेरी नेहा, है ना एकदम अप्सरा जैसी। नेहा 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 नेहा, अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है पापा, बहुत खुश लग रहे हैं। तो खुशी की तो बात है, पहले मुंह मीठा करो। बताइए तो बात क्या है? बात यह है कि यश की सरकारी नौकरी पक्की हो गई। क्या सच में? बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिली है, आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया उसका। तो बहुत अच्छी बात है पापा। तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें फोन नहीं किया उसने? अरे नहीं, उसका कॉल आया था पर हम बिजी तो उठा नहीं पाए। तो मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे बहुत सही टाइम पे आ गए तुम, लो मुंह मीठा करो। मेरे होने वाले दामाद को सरकारी नौकरी मिल गई। मुबारक हो। चलो आप दोनों पढ़ाई करो, मैं मोहल्ले में जाकर ना सबको खुशखबरी देकर आता हूँ। जी पापा। चलो बाय बाय। सर आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, पहले रिवाइज कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। सर हो गया। ठीक है, बाकी का कल करते। ठीक है। अरे मिल गई फुर्सत अपने होने वाले पति से बात करने के लिए। अरे I'm so sorry यार, just अभी फ्री हुए। By the way, congratulations. अरे अभी मत बोलो, इतनी बड़ी खुशी में मैं मिलकर सेलिब्रेट करूंगा। मैं कल आ रहा हूँ ऐसे भी। मैं वेट करूंगी। पता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जिस नौकरी की तलाश थी ना वो मुझे मिल गई है। बस अब तुम ना जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, बस एग्जाम्स तक की बात है ना, फिर पापा शादी करा रहे हैं तुमसे। अरे क्या एग्जाम, ये छोड़ो सब पढ़ाई वढ़ाई। और तुम्हें कौन सा पढ़ के नौकरी करनी है? अरे मैं हूँ ना, मैं कमाऊंगा, तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। नेहा। अच्छा चलो पापा आ गए, बात करते हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, ओ आप आई लव यू। हाँ आई लव यू टू। बाय जी पापा। सॉरी यश से बात कर रही थी। हाँ जी पापा, हो गई बात। बात हो गई तो चाय बनाओ अभी। पापा एक बात बोले आपसे। बोलो ना। हम ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ऑफिसर बने, बाद में शादी करूं। जी वही अफसर वाला मुद्दा। मैं तुम तो जानती हूँ
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊं। तुमसे क्या छुपा है? मतलब उतने पैसे मेरे पास होते तो अभी तुम कॉलेज जा रही होती, यूं ऐसे घर में बैठ के करस्पॉन्डेंस से ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्यों कर रही होती? मेरा बस एक ही सपना है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले करो और इज्जत के साथ तुम्हें विदा कर दो। और रही बात तेरे सपनों की, तो यश है ना, अरे मुझे पूरा यकीन है यश तुम्हारे सपने पूरे कर देगा। और अगर उसने हमें शादी के बाद पढ़ाने से मना कर दिया तो? ऐसा होगा ही नहीं, बहुत समझदार लड़का है, जिम्मेदार लड़का है वो, लाखों में एक है। नेहा अभी देखो, जहाँ माँ बाप के होते हुए बच्चे बिगड़ जाते हैं आजकल, वहाँ ये इसके माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, या अनाथ है, फिर भी अपने बलबूते पर खड़ा है। आज बिजली विभाग में अफसर बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई, तो क्या ऐसा लड़का तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाएगा? मुझे यकीन है वो तुम्हारा साथ देगा, अच्छे से देगा, तुम्हें पढ़ाएगा और अफसर भी बनाएगा। अब खुश रहो हाँ, और चाय पिला, थक गया बहुत। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसी है तू? हम अच्छे हैं, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। चाचा जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ है वो? कोर्ट नहीं जाना उन्हें आज? उनके जमीन के मुआवजे वाले केस की तारीख है भैया आज, बोलो उनको। हाँ बस वो तैयार हो रहे हैं, जब तक आप बैठिए ना। बैठता हूँ। आप बैठिए, हम चाय लाते। अरे चाय की फॉर्मेलिटी क्यों करती हो तुम, मैं जब भी आता हूँ। जयंत आ गए तुम? चाचा जी चला जाए। हाँ हाँ यस 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 ऑल सेट। ये सारे पेपर्स अच्छे से रखे हैं ना? अरे एवरीथिंग। चलो चलो हाँ चले चले चलो। अरे हाँ निया, आज यश आने वाला है, बिना खाना खिलाए मत भेजना उसे। जी पापा। चलो चलो चलो, क्या कर रहे हो? चलिए चलिए चलिए। अंकल दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो कोर्ट गए जरूरी काम से। अरे वाह, फिर तो अच्छा मौका है रोमांस करने के लिए। नहीं। अरे एक किस तो दे दो, मेरी जॉब लगी है ना, तो गिफ्ट के तौर पे एक किस। नहीं यश प्लीज। अरे मैं मजाक कर रहा था, फिक्र मत करो, हम जो भी करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। अच्छा यश, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। हम ना ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हम ऑफिसर बने और फिर शादी करें। ये लेकिन प्लीज शादी की डेट तुम आगे मत बढ़ाना, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे दिन निकाल रहा हूँ तुम्हारे बिना। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमारा सपना। अरे सपना कहाँ भागा जा रहा है, कौन रोक रहा है तुम्हें अपना सपना पूरा करने से? शादी के बाद भी सपना पूरा कर सकती हो, और मैं हूं ना, मैं कराऊंगा तुम्हारा सपना पूरा। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में पीजी करना है मैं कराऊंगा, कसम से। आई लव यू नेहा। कितनी बार बोलूं मैं नेहा नहीं, मैं जूली हूं। अबे यार सॉरी। इतना ही चाहते होते तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? अरे शादी तो मैं करना चाहता हूँ उससे, लेकिन साला उसका वो बाप उससे मेरी शादी होने नहीं देगा। उसने पहले ही फिक्स कर दी थी उसकी शादी किसी लड़के के साथ, इवन उस लड़के की अब जॉब लग गई। नेहा के एग्जाम्स के बाद उसकी शादी हो जाएगी उस यश के साथ, मेरा क्या होगा फिर?
नेहा को अपना बनाने का सपना मेरा खत्म। हमारी स्टोरी तो बहुत ज्यादा ही उलझी हुई है। बाय द वे, मुझे नेहा कह के मत बुलाया करो, मुझे चिढ़ होती है। और वैसे भी मैं नेहा नहीं हूँ। ए, क्या बोल रही है तू? हाँ, तू नेहा हो भी नहीं सकती, समझी? तू ये अपने पैसे ले और निकल। यहाँ ये ले। इतना क्या बुरा लग रहा है? हाँ, लग गया बुरा मुझे। ये उठा पैसे, चल निकल। शकल क्या देख रही है? निकल यहाँ से, पैसे ले, पकड़। नेहा बनेगी यहाँ से आके। अरे कोई नहीं हो सकता मेरी नेहा जैसा। आज कौन से चैप्टर करेंगे सर? कल चेकअप को पढ़ा था ना, तो आज रामे को पढ़ते हैं। ठीक है। क्या हुआ निया, सब ठीक तो है? कुछ उदास लग रही हो? नहीं सर, बस ऐसे। देखो अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। एक टीचर के नाते ना सही तो एक दोस्त के नाते ही सही। इतना भरोसा तो कर सकती हो ना मुझ पर। सर हमारा सपना है कि हम ऑफिसर बने और उसके बाद शादी करें, पर हमें लगता है कि हमारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। एग्जाम्स के बाद पापा हमारी शादी करा देंगे। हाँ तो बात करो अपने पापा से, बताओ उन्हें। बताया, सब बताया, पर उनके पास हमारी आगे की पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। तो फिर यश से बात करो, वो जरूर तुम्हारी बात समझेगा। कि हमने उससे भी बात, और वो बोल भी रहा है कि शादी के बाद हमें पढ़ने देगा, पर शादी के बाद किसने देखा? क्या पता उसका मन बदल जाए कल को और वो हमें पढ़ने ही ना दे तो। ये तो है, तो अब क्या करोगी? पता नहीं, अब जो करना है हमारी किस्मत ही करेगी। नेहा, कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? काश तुम मेरी हो पाती, मेरे प्यार को समझ पाते, काश हम दोनों एक दूसरे के हो जाते। अब मैं क्या करूं ऐसा कि जो तुम मेरी हो जाओ? बोलो। I love you. मैं वो कुछ जरूरी कागजात थे देने आया था। चाचा जी घर पर नहीं है? नहीं, वो गांव गए। ठीक है। अरे भाई नया एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी लाइए। ये लीजिए। अरे नया तुम यहाँ बैठो ना। हाँ बोले ना भैया। अरे देखो ने, तुम ना मुझे बात बात पर भैया मत बोला करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम छाई हो। अब बर्दाश्त नहीं होता नेहा। आई लव यू। बुलट चाचा जी, चाचा बुलट चाचा जी, कोई बात सुनो, नेहा को हाथ लगाएगा तू चले जान ले लूंगा तेरी। ठीक है निकल आई ना, यहाँ आसपास भी दिखा रहा तो जान दे दूंगा साले। अरे अंकल नमस्ते। अरे आ गए तुम, बेटा आप बैठो बैठो। कैसे हैं आप? हैं क्या अंकल, सब ठीक तो है? आपने अचानक से बुलाया मुझे। सब एकदम ठीक। एक्चुअली तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ बोले ना अंकल। कहूँ तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि नेहा और तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। चाहता तो मैं भी हूँ अंकल, लेकिन
नेहा के एग्जाम तक तो रुकना ही पड़ेगा। नहीं, एग्जाम का क्या है? एग्जाम तो शादी के बाद भी दे सकती है वो। मेरी अभी पंडित जी से बात हुई हमारी। हाँ, तो पंडित जी बता रहे थे कि अगले महीने बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा है दोनों के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगले हफ्ते सगाई कर लेते हैं, अगले हफ्ते सगाई और अगले महीने शादी। नहीं जी अंकल, मैं आज से ध्यान शुरू कर देता हूँ। जरूर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके अंकल। यस, थैंक यू। नेहा, वो नेहा की तबीयत थोड़ी खराब है आज, इसलिए वो तुम जानो, तुम तैयारी शुरू करो, मैं हूं उसके साथ। ठीक है अंकल। फ्रेंड क्या हुआ, रो क्यों रही हो बेटा? नेहा तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी हमारी शादी करवा देना चाहते हैं? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? पागल हो क्या? हाँ, भरोसा तो मुझसे भी ज्यादा मैं तुम पर करता हूँ, लेकिन इस दुनिया पर नहीं जो जो इस हैवान चयन जैसे लोगों से परी पड़ी है, मेरा बस एक ही सपना है मेरा, कि अच्छे से इज्जत के साथ तुम्हारी विदाई कर दूं। बस कभी कभी हमें लगता है कि लड़की होना ही गुनाह, हम आप पे बोझ बन गए ना पापा। कैसे बातें कर रही हो नेहा? पागल, बेटियां तो जान होती है बाप की, जान, लेकिन बाप पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती है बेटियों की, और जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो जाती है ना, जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती जाती है। और मैं तो तुम्हारी लिए सिर्फ बाप थोड़ी हूं, माँ भी तो हूं, और इस माँ के दिल को ना डर लगता है बेटा, डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं कहीं तुम्हें उस हैवान चैन जैसे लोगों की नजरों का सामना ना करना पड़े। जब भी तुम रास्ते से जाओ, कुछ भी करो, बाहर जाओ, तो कहीं कोई तुम्हारे साथ कोई उल्टे सीधे बर्ताव ना करे, बस यही डर लगा रहता है बेटा। इसकी एक बार मुझे आशा है तुम सब समझने की कोशिश तो करो। डरता हूँ नेहा, डरता हूँ। और वैसे इस यश में खराबी क्या है? अच्छा लड़का है, भला लड़का है, और मुझे ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करेगा तुम्हारी। हाय नेहा। हाय सर। आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो आज रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। चलो तुम्हारा मूड सही कर देते हैं, ये लो, इन पे साइन कर दो। क्या है ये? ये लोन के पेपर्स है, एजुकेशन लोन। मेरा एक दोस्त है जो बैंक में काम करता है, तो मैं यूं ही उससे तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तो उसी ने मुझे इस लोन के बारे में बताया। उसने कहा कि एक हफ्ते में तुम्हें 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर तुम्हें किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, इन पैसों से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, बस तुम ये पेपर्स पर साइन कर दो, फिर मैं लोन अप्लाई कर दूंगा। पर अब क्या फायदा सर, अगले हफ्ते हमारी सगाई है और फिर एक महीने बाद शादी। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी एक हफ्ते में लोन अप्रूव हो जाएगा, और बाई चांस अगर लोन नहीं भी होता है तो तुम चुपचाप शादी कर लेना, आगे जो होगा देखा जाएगा। लो साइन कर दो। यहाँ और वो
तीन चार पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए थे, तो वहाँ ले लेते। हाँ। चलो अरे बुधवार को तो है ना अगले हफ्ते, हाँ आने वाला बुधवार, तभी है सगाई। चाचा जी एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? चाचा जी मुझे रखे निकल, चाचा जी निकल तू, चाचा जी मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं नहीं लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। हाँ चाचा जी, चाचा जी आपको जितना मुझे मार रहे मार लीजिए। अरे मैं हुई कमी ना, पता चल गया मुझे, मैंने हरकत ही ऐसी कर दी, बताओ मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। चाचा जी मैं थोड़ा नशे में था इसलिए उस दिन बहक गया। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। पैर छोड़ मेरे, पहले मुझे माफ कीजिए आप, मैं फिर पैर छोड़ूंगा आपके। चल माफ कर दिए चल। अब देखना आप चाचा जी, मैं अपनी बहन की शादी कितने धूमधाम से करवाता हूँ, देखिएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे सकते हैं, देखिएगा। हाँ नेहा बहन, अब तू भी मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे बहन। थैंक यू। जूली आजा आजा अंदर आजा। आजा। वैसे जैसे उस दिन भगाया था उम्मीद नहीं थी कि वापस बुलाओगे। अरे यार जूली तू अब भी उसी बात को लेकर बैठी है, उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा नशे में था बस। क्या बात है वकील साहब, मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो, क्या हुआ नेहा के लिए प्यार खत्म हो गया क्या? हाँ भाई कुछ ऐसा ही समझ लो, अगले हफ्ते उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। हाँ यस बेटा बोलो। अरे अंकल 2 बज गए और आप लोग अभी तक घर से निकले नहीं है, प्लीज जल्दी आइए, मुहूर्त निकल जाएगा। हम बस निकल ही रहे हैं, अभी नेहा तैयार हो रही है, बस निकलेंगे और थोड़ी देर में आ जाएंगे बंदे। हाँ चाचा जी नेहा, हाँ चला जाए क्या, देर हो रही है। हाँ अभी नेहा को तो तैयार होने दो, कितना टाइम हो गया, अंदर जाके बैठिए। नेहा नेहा बेटा जल्दी चलो, यश वहाँ पे मंदिर में इंतजार कर रहा है, कब से फोन कर रहा है, फोन पे फोन आ रहा है। जी आई पापा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन। अरे सुंदर तो है ही। चल काम हो गया। हाँ काम हो गया और अब तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है नेहा? पापा वो हम क्या क्या वो अंकल जी बात ऐसी है कि नेहा अब मेरी बीवी है। क्या? तो आप उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते। चले नेहा। सर ये आप क्या बोल रहे? नेहा तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बस नेहा क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? पापा ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई शादी नहीं की है। ए, क्या नाटक है? हाँ निकल इधर से चल। ए, सच बोल रहा हूँ मैं, और अगर यकीन नहीं होता ना ये देख, ये है हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट, पिछले हफ्ते हमने कोर्ट मैरिज किए, समझा? चल जी ये सही कह रहा है, देखो ये क्या है नेहा, ये कैसे किया तुमने, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्या ये नेहा जवाब दो, क्या ये नेहा नेहा तुम कहां जा रहे हो, बस
रुको यहाँ पे। अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ मैं। भले ही उसने तुमसे शादी की है लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से। वो आपसे डरती है इसीलिए अभी मेरी बात नहीं सुन रही है। मैंने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से। अंकल जी, आपके लिए बेहतर वही होगा, आप उसे जाकर प्यार से समझाएं, बुझाएं और मेरे साथ अच्छे से विदा करें। और जब तक मेरी बीवी मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देखो तुम्हें, मैं यही हूँ, मैं इधर ही हूँ। जब तक नेहा मेरे साथ नहीं आएगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देख, मैं तुम्हें घर से क्यों अंकल? और नेहा कहाँ पे? वो नेहा ना मेरी बीवी है, तो तू उसे भूल जा। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, अगर नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। खींचना। बोल, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। कल आप भी फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पे तुम्हारी फोटो और तुम्हारे साइन? हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन? हाँ, हम चाहते थे कि पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी करें, ऑफिसर बन जाएं, उसके बाद शादी करें। पर उसके लिए पापा के पास पैसे नहीं थे। उस दिन राहुल ने हमें आकर एजुकेशन लोन के बारे में बताया और कुछ पेपर्स पे साइन भी लिए। हमें लगा था कि लोन के पैसे मिलते ही हम शादी के लिए मना कर देंगे, पर ये सब हो गया। हमें लगता है यश कि राहुल ने ना उन पेपर्स के साथ ही कुछ गड़बड़ की है। हे यार, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे मैंने बोला था कि मैं शादी के बाद पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, क्या किया है? हमें लगा कि कहीं तुम शादी के बाद मना ना कर दो, सिर्फ इसलिए। पर यश, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई शादी वादी नहीं की है। अरे पर तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पुलिस में जाने में मतलब क्या है बेटा? यश, समझने की कोशिश करो, एक बार बात पुलिस तक पहुंच गई ना तो फिर पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा, पूरे शहर में सबको पता चल जाएगा। बेटा बदनामी होगी सबकी, पिछड़ी नया की बदनाम हो जाएगी बेचारे। अब पुलिस में जाके फायदा भी कुछ नहीं। मैंने अभी जैन के साथ बात कर रहा था, वही जैन ने कहा कि वो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल है, वो पुलिस साथ देगी तो भी इस। यस, साले फ्रॉड, एक तो तूने धोखे से नेहा के साइन करवा लिए और बोलते हो तेरी बीवी है। चल निकल यहां से, निकल निकल, छोड़ मुझे। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, शादी की है मैंने नेहा से, वो भी रजिस्ट्रार के सामने। अरे तुम नेहा को बाहर निकालो यार, एक तो तुम लोगों ने उसको डरा धमका कर अंदर बांध कर रख दिया है। देख, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं, निकल यहां से। अरे तुझे जो करना है कर, मैं नेहा को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। देख रहे हैं आप लोग, इन लोगों ने मेरी बीवी को अंदर बांध कर रखा है। अरे भला अपने दामाद के साथ कोई ऐसा करता है? अंकल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप प्लीज मेरी बीवी को बाहर निकालो। नेहा, देखो यश बेटा, अभी तुम निकलो यहाँ से प्लीज। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं संभालूंगा, अभी प्लीज प्लीज तुम निकलो। ठीक है अंकल जी, जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर नेहा को कुछ भी हुआ ना, मैं जान ले लूंगा मैं तेरी। थैंक यू, प्लीज प्लीज। अभी आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, तमाशा लगा रखा है? आपसी मामला है हमारा, निकलो। जैन भाई, तुम भी प्लीज। जी चाचा जी, जी।
देखो राम, जितनी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी, जितना तमाशा होना था वो हो गया। मैं तुम्हें जवान देता हूँ, ठीक है, मैं नेहा से बात कर लूंगा। अगर आपने वाकई शादी की है, मैं खुद नेहा को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। मुझे कोई, लेकिन मुझे एक बार बात तो करने दे उससे, प्लीज। तमाशा करने में कुछ मतलब नहीं, तुम भी जाओ अभी। नहीं, मैं हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे से। देखिए अंकल, आप हाथ मत जोड़िए, लेकिन आप नेहा को अच्छे से समझा बुझा कर रख दीजिएगा। कल सुबह मैं यहाँ वापस आऊंगा, और हाँ, मैं कल उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। मैं वैसे कुछ नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ ना उससे, प्लीज। हाँ भाई, बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ अंकल, अरे यस अंकल, बड़े इतने सुबह सुबह। अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो ना। मुझे मुझे नेहा से शादी करनी है आज ही। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन बेटा वो राहुल आता होगा अभी, वो नेहा को ले जाएगा मुझे को। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे नेहा पर पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल रही है। और अगर वो सर्टिफिकेट झूठा हुआ तो हमें से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहां? राहुल की लाश मिली है हमें शहर के बाहर। क्या? और उसकी जेब में ये मैरिज सर्टिफिकेट मिला है। हमने आसपास पता किया तो पता चला कि कल रात को यहां बहुत हंगामा हुआ था, और आप नेहा को उसके साथ भेजना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब वो झूठ बोल रहा है, नेहा ने किसी के साथ शादी नहीं की है। और ये मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें नेहा का साइन भी है और उसकी फोटो भी। सर, हमने कोई शादी वादी नहीं की है, उस राहुल ने हमें लोन दिलाने के बहाने झूठे पेपर्स पे साइन ले लिए और कुछ फोटोज भी ली, और फिर ये झूठा सर्टिफिकेट बना दिया। सर, मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। खैर, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, आप में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। नेहा बेटा जल्दी करो, आ जाओ। भाई, सिचुएशन ही ऐसी थी कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। एकदम से एंगेजमेंट हो रही है और तू यकीन नहीं मानेगा, यहाँ पे सिर्फ मैं, नेहा और उसके पापा ही हैं। ये आ गई नेहा। सच? आ जाओ जल्दी। यस, आप तैयार हो गई हो? बहुत बढ़िया दिख रही हो। बैठो। यस बेटा बैठो, चलो अब अंगूठिया पहनो। क्या हुआ नेहा, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, मैं खुश हूँ। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी तुम्हारे ऑफिसर बनने के बाद कर लेंगे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है ना नेहा। अंकल, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नेहा की सारी जिम्मेदारी आज से मेरी है, और इसका सारा पढ़ाई का खर्च भी मेरा है। अब खुश नेहा? हाँ, अब पहनाओ। चाचा जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? सगाई है मेरी बेटी की। अगर चाचा जी ये गलत है, पुलिस को इसके बारे में पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जयंत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट थी ना, वो झूठी निकली, पुलिस ने ढूंढ निकाला। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस जल्दी राहुल के कातिल को भी पकड़ लेगी। क्या हुआ?
राहुल के कातिल का पता चल गया है, हम उसी को अरेस्ट करने आए। कौन है कातिल? ये जयंत। अरेस्ट करो इसे। कुछ भी है, कुछ भी बोलोगे तुम लोग, इंस्पेक्टर साहब आपकी वर्दी उतरवा दूंगा मैं, एडवोकेट हूँ। तू उतरवाएगा वर्दी? हाँ तू उतरवाएगा। जो मैरिज सर्टिफिकेट था ना, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से क्रॉस चेक किया, वहां पर नेहा की जगह जूली की फोटो मिली। बुलाओ जरा, पहचानता है ना इसे, जूली। इसको अरेस्ट किया हमने और इसने सब कुछ बता दिया। तू नहीं मारा है ना राहुल को, क्योंकि आखिरी बार तू ही उसके साथ नजर आया था। जिस बार में बैठकर तुम दोनों दारू पी रहे थे ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। देख, सच उगलवाने के 1001 तरीके हैं हमारे पास, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि सब कुछ सच यही बोल दे। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैंने ही राहुल को मारा है। एक्चुअली मैं और राहुल बहुत पुराने दोस्त थे, अक्सर साथ में शराब पिया करते थे। असल बात तो ये थी कि जितना मैं नेहा को पसंद करता था, उतना राहुल भी उसे पसंद करता था, लेकिन डरपोक था साला, छुप छुप के उसे देखा करता था। जिस दिन चाचा जी ने मुझे नेहा के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था, उसी दिन मैंने राहुल को फिर बुलाया शराब पीने के लिए। क्या जरूरत थी नेहा के साथ जबरदस्ती करने की? अब तो तुम्हारी उस घर में एंट्री भी बंद हो गई। मेरा तो देख यार पत्ता कट गया। तू बता तेरी कहानी कहाँ तक पहुंची? यहाँ तो तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शादी करेगा नेहा से? शादी? अरे उसकी शादी तो वो यश के साथ होने वाली है, तो वो मुझसे क्यों शादी करेगी? देख वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस मुझे इतना बता, तू नेहा से शादी करेगा या नहीं? अरे हम तो मरे जा रहे भैया उससे शादी करने के लिए। अगर आपने मेरी शादी उससे करवा दी ना, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं कोई एहसान वहसान नहीं कर रहा हूँ तेरे ऊपर, बस मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी तो तेरी मैं नेहा से करवा दूंगा, लेकिन शादी के बाद नेहा के साथ पहली सुहागरात मेरी होगी। बोल अगर तुझे मंजूर है तो। हाँ बोल, बाकी तू देख ले। अब एक ही बार की तो बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बस आप मेरी उससे जल्द से जल्द शादी करवा दो। समझ ले हो गई तेरी शादी। ये पकड़, ये ले, ये शादी के पेपर्स हैं, इन पर तू बस नेहा के साइन ले और उसकी 3 फोटो। ये काम करवा के तू मुझे पेपर्स दे दे, मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाऊंगा, वहाँ सबमिट कर दूंगा और कानूना तौर पर तू और नेहा पति पत्नी। साइन तो मैं ले लूंगा, मगर वो रजिस्ट्रार के सामने नेहा को पेश भी तो करना होगा, वो कैसे करोगे? वो कैसे करूंगा? तू जानता है ना अपने जयंत भैया को, अरे सब जुगाड़ कर रखा है मैंने। जूली? हाँ हाँ। उसको मैंने ऑलरेडी पूरा प्लान पहले ही बता रखा है। वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में तेरे साथ जाएगी नेहा बनकर, वहाँ वो साइन करेगी, उसके बाद हम उसका फोटो निकाल के पेपर्स में से नेहा का लगा देंगे। किसी को क्या पता चल रहा है कि साइन करने नेहा गई है या जूली? बाद में सबको बोलेंगे कि नेहा ही तेरे साथ गई थी साइन करने, बस। और फिर अगले दिन मेरे कहने पर जूली और राहुल मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए, वहाँ दोनों ने शादी की। जूली शादी करेगी? शादी? अरे असली शादी नहीं कर रही, शादी का बस तुझे नाटक करना है। तुझे बस राहुल के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, तुझे बदले में 50,000 दूंगा, बोल मंजूर है? कोई लफड़ा हो गया तो? वो सब तो मेरे पे छोड़ दे, तेरा कहीं नाम नहीं आया, कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, पर पैसे मुझे काम करने के पहले चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे तुझे। हाँ तू पहले ये पेपर्स ले ले, इन पेपर्स में देख के यहाँ के साइन अच्छे से कॉपी करना सीख ले, क्योंकि वहाँ जाके तुझे सबसे पहले साइन ही करने पड़ेंगे। ये जूली ने नेहा के नकली साइन तो कर लिए थे, और जो मैरिज सर्टिफिकेट मिला था उस पर नेहा का नहीं जूली का फोटो था। मैंने बड़ी चलाकी से वो फोटो बदल दिया। उसके बाद चाचा जी ने उसी दिन राहुल को समझा बुझा कर उसके घर भेज दिया।
हम दोनों दोबारा मिले और बार में शराब पीने गए। मुझे लग रहा था कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, इसलिए हमने बहुत शराब पी और फिर वहाँ से लौटते टाइम भाई राहुल, फाइनली कल तेरा सपना पूरा हो जाएगा, तुझे नया मिल ही जाएगी। हाँ हाँ भैया, और ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। सपना तो कल मेरा भी पूरा होगा राहुल, उसके साथ कल मेरा स्वागरात मनाने का सपना पूरा होगा। कल जब वो कमरे में तेरा इंतजार कर रही होगी, उसके पास स्वागरात मनाने मैं पहले जाऊंगा, उसका घूंघट उठाऊंगा और फिर उसके बाद। बस करिए भैया। नेहा अब मेरी बीवी है, आप उसके बारे में ये गंदी गंदी बातें ना करें, वही बेहतर होगा। क्या बोल रहा है तू? हाँ अपना वादा भूल गया तू? हाँ वो उस दिन मैं नशे में था तो बस मैंने कह दिया था, लेकिन नेहा अब मेरी बीवी है और उसके बारे में ऐसी बकवास बातें मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब इस गलती की सजा भुगतना जिंदगी भर जेल में रहकर। ये चलो इस चलो नेहा, हम सगाई कर लेते हैं इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम आ जाए। अभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, अब सब साफ हो गया। हा? चलो।